हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली पोटैटो की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप अपना तरीका भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है 3 आलू। तो यहाँ आपको पोटैटो चिली बनाने के लिए जो आपको आलू इस्तेमाल करना है तो कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आलू को छील करके इस्तेमाल करना है, ये देखिए। तो फटाफट यहाँ पे हम आलू को छील लेते हैं। तो मैंने जो आलू का इस्तेमाल किया है, जिनके छिलके बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ही ईजली तरीके से छिल जाते हैं, तो मैंने बस यही आलू का इस्तेमाल किया। आलू को फटाफट छिलने के बाद इसे पानी में डालिए और इसे अच्छे से धो लीजिएगा। आलू में जो भी डस्ट होगा वो पानी के साथ अच्छे से निकल जाएगा। तो आलू अच्छे से धो लिए, अब ये देखिए आलू बिल्कुल हमारे क्लीन हो चुके हैं। तो फटाफट यहाँ पर हम आलू को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे आलू को कट करना है। ये देखिए, जो आलू के इस तरीके से एक्स्ट्रा ये छोटे छोटे पीसेस आ गए निकले हैं, तो इसे आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो फटाफट अब हम यहाँ पे आलू को कुछ इस तरीके से कट करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से कट कर लिया है, ये देखिए। तो आपको ऐसे ही आलू को कट करना है फ्रेंड, आप इसका तरीका देख लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने आलू को कट कर लिया है। अब आलू को कट करने के बाद इसे पानी में डाल दीजिएगा ताकि आलू काले ना पड़े। और बस इसके बाद यहाँ पे हम आलू को अच्छे से कट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे आप फ्रेंच फ्राई बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आपको ये बनाना है। ये देखिए, आपको आलू की फिंगर को ना ज़्यादा पतला कट करना और ना ही ज़्यादा मोटा, कुछ इस तरीके से कट कीजिएगा। ये देखिए, तो अब हम इसे कट करने के बाद इसे पानी में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, आलू काले नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। ये देखिए, आलू को हमने इस तरीके से कट कर लिया, ये देखिए। अब इसे अच्छे से पानी में धो लेंगे, आलू में जो भी स्टार्च होगा वो पानी के साथ अच्छे से निकल जाएगा। आलू को धोने के बाद पानी क्लीन कर लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने इसका पानी हटा दिया। अब यहाँ पर कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लीजिएगा और इस पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आलू के जो फिंगर आपने कट किए हैं इसे डाल दीजिए, और इसमें जो भी आलू के ऊपर हल्का पानी रह गया है उसे हम कपड़े से पोंछ लेंगे या फिर आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, आलू ऊपर से ड्राई हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पे आलू के ऊपर जो भी पानी रह गया उसे अच्छे से पोंछ लेंगे, यानी कि आलू को हमें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हमने आलू को एक थाली में निकाल लिया। ये देखिए, आलू बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इससे फ्रेंच फ्राई बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और थोड़ा सा तीखा भी लगेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं चिली पोटैटो, तो ये थोड़ा सा तीखा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब कभी आपको फ्रेंच फ्राई फ्रेंड बनाना हो तो आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, तो आपके फ्रेंच फ्राई बहुत ही जल्दी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे एक कॉर्नफ्लोर की बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कीजिएगा और बस गैस का जो फ्लेम है मीडियम टू हाई के बीच रखिएगा। सारे फिंगर को इसमें डाल दीजिए आलू के, तो जितने आ जाए कढ़ाई में उतने ही डालिएगा। और बस से जब एक तरफ हल्का सा पक जाए तो आप इसे पलट दीजिएगा। ऐसे उलटते पलटते हुए आप इसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने में बस आपको 5 से 6 मिनट ही लग जाएगा, ये देखिए, क्योंकि इसे हम 2 बार फ्राई करेंगे। तो पहले इसे हाफ फ्राई कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो बस 5 मिनट आपको इसे फ्राई करना और इसे निकाल लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे हमने फिंगर को फ्राई कर लिया है। और ये फ्राई करने के बाद क्या होते हैं, फिंगर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, ये देखिए। पर जो फिंगर है आलू की बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए, देखिए कितनी ईजली तरीके से टूट गया। ये देखिए काफ़ी अच्छे से, ये देखिए आलू बहुत बढ़िया सा पक चुका है। तो ये फिंगर बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं चिली पोटैटो बनाने के लिए, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। और कुछ प्याज को मैंने बड़े टुकड़े में कट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पर फिंगर को दोबारा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राई को दोबारा फ्राई कर लूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिएगा, ये देखिए। गैस का जो फ्लेम है मीडियम टू हाई रखिएगा और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। जब दोबारा आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, क्योंकि चिली पोटैटो में जो फिंगर होंगे आलू के थोड़े से क्रिस्पी होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सभी को फ्राई करके तैयार कर लिया है।
तो ये हमारी फ्रेंच फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए दूसरी तरफ हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई को बहुत अच्छे से हीट करना है। जब कढ़ाई आपकी अच्छे से हीट हो जाए तो इसमें डाल दीजिएगा 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो चॉप किया हुआ यहाँ पे गार्लिक डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको गार्लिक को हल्का सा फ्राई करना है, ये देखिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे जिंजर, जिंजर को ग्रेट करके ही डालिएगा और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए इसमें और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। तो जिंजर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा आपके चिली पोटैटो में। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन चिली डाल देंगे 3 से 4 के लगभग और बस इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन चिली भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पे सब्जी ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पे ऑनियन डाल दिया है। ऑनियन को थोड़ा इस तरीके से कट कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आपको इसे हल्का सा फ्राई करना है। अब कुछ यहाँ पे वेजिटेबल ऐड कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे कैरेट, कैप्सिकम और ऑनियन डाल दिया है और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे आपको वेजिटेबल को ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना, बस आप इसे हल्का सा फ्राई कीजिएगा, कुछ सेकंड चलाइएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे वेजिटेबल हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ब्लैक सोया सॉस डाल दूँगी और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाल दूँगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और यहाँ पर अब हम डाल देंगे यहाँ पर टमाटो केचप, 2 बड़े चम्मच के लगभग टमाटो केचप डाल दीजिएगा। इन सभी सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे, यहाँ पे इसे कुछ सेकंड चलाएंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एकदम पतला सा बैटर जैसा बना के तैयार करेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 1/4 कप पानी डाल देंगे और थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और बस मिक्स करने के बाद सॉसेस को अच्छे से पकाएंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार की थी इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा नहीं डालना है, बस 1 से 2 चम्मच डालिए और इसे मिक्स कीजिए। जब आपके सॉसेस थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप बिल्कुल ना डालिएगा। तो यहाँ पर हमारे सॉसेस अच्छे से थिक हो चुके हैं, ये देखिए सॉसेस बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे आलू के जो फिंगर बना के रखे थे इसे डाल देंगे। तो आलू के जो आपने फ्रेंच फ्राई बनाया उसे आपको बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करना है जब आपके ये सॉसेस अच्छे से पक जाएं। अब इसे लास्ट में डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ये देखिए। तो ये हमारे पोटैटो चिलीज देख सकते हैं बन करके बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे घर पर ही इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर वाइट तिल, वाइट तिल डालने से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और ये लीजिए फ्रेंड, ये हमारा पोटैटो चिलीज बन करके तैयार हो चुका है। तो बस इस गर्मा गर्म पोटैटो चिली को प्लेट में सर्व करेंगे और इसे इंजॉय करेंगे, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे वाइट तिल से इसे गार्निश करेंगे और थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे ग्रीन वाला और बस ये हमारी पोटैटो चिलीज बन करके तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड ऐसी एक और भी कोई नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।